अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहान खान लगारी है। मैं एक सोशल वर्कर हूं। मेरे गांव का नाम ग़ुलाम हुसैन लगारी है, जो कि यूनियन काउंसिल करम खान निज़ामानी में तालका हाला न्यू ज़िला मटियारी में वाक़ है। हमारे गांव की आबादी तकरीबन 2000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें तकरीबन 700 के करीब छोटे बच्चे हैं। 700 बच्चों के लिए सिर्फ एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जिसके 2 क्लास रूम्स गाँव वालों ने अपनी मदद आपके तहत बनवाए। स्कूल की हालत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई सालों से बिना बिजली के बच्चे पढ़ रहे हैं। ओसर फाउंडेशन वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप प्लाट दें तो आपको स्कूल तामीर करके दें। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरी कुल जायदाद मेरी ज़रई ज़मीन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद मैंने अपनी ज़रई एराजी में से 8000 फुट प्लाट निकाला और स्कूल के लिए वक्फ कर दिया। ओसर फाउंडेशन वालों ने 4 कमरों पर मुश्तमिल एक शानदार स्कूल बना कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि टीचर्स आप खुद रखेंगे और उनको सैलरी भी आप देंगे। इसी सिलसिले में हमने हर शागिर्द पर 200 रुपये फीस मुकरर की, लेकिन इन बच्चों का ताल्लुक इंतहाई गरीब तबके से है, इस वजह से ये बच्चे फीस नहीं दे पा रहे थे। फीस नहीं मिल रही थी तो टीचर्स की सैलरी नहीं हो रही थी और टीचर्स जॉब छोड़ने को तैयार हो गए थे। पिछले कई माह से इन 4 टीचर्स और एक चपरासी की सैलरी मैं अपनी जेब से अदा कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि ये सिलसिला मज़ीद ज़्यादा अरसा नहीं चला सकता। जो बच्चे और बच्चियाँ प्राइमरी पास कर चुके हैं, उनको मज़ीद पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, यानी 5 किलोमीटर आने के और 5 किलोमीटर जाने के, टोटल 10 किलोमीटर रोज़ाना। मैं अपने गांव में मिडिल तक मुफ्त तालीम देना चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में अपनी ज़रई ज़मीन में से मज़ीद प्लाट डोनेशन में देने को तैयार हूँ, बस मैं हर माह टीचर्स की तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से, तमाम मुखिर हजरात से, कि सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स की तनख्वाहों में मेरी हेल्प करें और 700 बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं, जो कि सदकाए जारिया है। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, मेरा नाम जहान खान लगारी है, आप मुझसे राबता कर सकते हैं। शुक्रिया।